देखिए आप एक ऐसे यहूदी लड़की के बारे में जानते हैं जिसने 20वीं सदी की सबसे महान पुस्तकों में से एक लिखी थी, लेकिन उसे मात्र 15 साल की उम्र में ही बेहद ही बेरहमी से मार डाला गया था। और क्या आपको उस व्यक्ति के बारे में पता है जिसने 14 साल पहले ही यह प्रेडिक्ट कर लिया था कि टाइटेनिक जहाज डूबने वाली है? और ठीक इसके 14 साल बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ, टाइटेनिक जहाज डूब गई। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हिस्ट्री से रिलेटेड इस वीडियो में स्वागत है, जहां पर हम आगे भारत के इतिहास की उस घटना के बारे में जानने वाले हैं जिसने हर भारतीय के दिल को झकझोर कर रख दिया था। तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी उस लड़की की है जो मात्र 15 साल की थी तभी उसे इस दुनिया से खत्म कर दिया गया। होलोकॉस्ट के 60 लाख यहूदियों में से एक यह लड़की एने फ्रैंक थी, जो कि एक यहूदी लड़की थी जिसने 20वीं सदी की सबसे महान किताब लिखी थी। एने फ्रैंक का जन्म जर्मनी फ्रैंकफुर्ट में हुआ था। जब वह मात्र 4 साल की थी तभी से नाजियों ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया था और वे यहूदियों पर अत्याचार करने लगे, जिससे बचने के लिए फ्रैंक फैमिली नीदरलैंड चली गई। लेकिन नीदरलैंड पर भी नाजियों ने कब्जा कर लिया, जिससे बचने के लिए फ्रैंक फैमिली ने एम्स्टर्डम में ही रहने का निर्णय किया, जहां के एक अपार्टमेंट में उन्होंने 2 साल 35 दिनों तक अपना गुजारा किया। लेकिन 1944 में नाजियों ने फ्रैंक फैमिली को पकड़ लिया और उन्हें लेकर कॉन्स्टेंट कैंप में ले गई, जहां पर यहूदियों का सिर मुंडवा दिया जाता था। अत्याचार यही खत्म नहीं होती थी, उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता था और उन्हें जहरीले गैस चैम्बर में पीट कर मार दिया जाता था। एने फ्रैंक की मौत भूख से तड़पने के कारण हो गई थी, एक आखिरी निवाला था, पर नाजियों ने उनकी माँ को अलग चैम्बर में डाल दिया, जिसके कारण यहीं पर एने फ्रैंक की बड़ी बहन मार्गरेट फ्रैंक की भी मौत हो गई। तो दोस्तों, आप सभी ये तो जानते ही हैं कि 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान टाइटेनिक जहाज एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गई थी। तो उस समय मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर थे जिन्होंने टाइटेनिक जहाज के डूबने से 14 साल पहले ही 1898 में एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम था द रेक ऑफ द टाइटन। इस नॉवेल में उन्होंने एक शानदार जहाज की कल्पना की थी जिसका नाम टाइटन था, जो कि हूबहू टाइटेनिक जहाज के नाम से मिलता जुलता है। उस नॉवेल में उन्होंने जिस टाइटन जहाज के बारे में जिक्र किया था उसे लोग अनसीन केबल कहते थे, लेकिन वह डूब गई। और हकीकत में टाइटेनिक जहाज को भी अनसीन केबल कहा जाता था, लेकिन वह भी डूब गई। नोवेल में टाइटन जहाज आइसबर्ग से टकराने के कारण डूबता है और रियल में टाइटेनिक जहाज भी। उस नोवेल में टाइटन जहाज अप्रैल के महीने में मिडनाइट को डूबता है और रियल में इसके 14 साल बाद टाइटेनिक जहाज भी अप्रैल के महीने में मिडनाइट को ही डूबता है। यही नहीं, नोवेल में टाइटन जहाज न्यूफाउंडलैंड से 400 माइल से दूर पर डूबता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि टाइटेनिक जहाज भी बिल्कुल इसी लोकेशन पर डूबा था। जानते हैं कि आखिर क्यों जनरल डायर ने 1000 भारतीय मासूम लोगों की जान ले ली थी? तो दोस्तों, यह बात 13 अप्रैल 1919 की है, जब अंग्रेज सरकार ने 2 प्रसिद्ध भारतीय नेताओं को बेवजह ही गिरफ्तार कर लिया था। तब भारतीयों ने रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में, जिसमें 2000 से भी अधिक लोग आकर शामिल हो गए थे, जब इसके बारे में जनरल डायर को पता लगा तो अपना पुलिस फोर्स लेकर वहां पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचने के बाद लोगों को बिना आगाह किए उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी पुलिस फोर्स लगातार उन मासूम लोगों पर गोलियां दागती रही, जिसमें करीब 389 लोगों की मौत हो गई और 1200 से भी अधिक लोग वहां पर इंजर्ड हो गए। यह मंजर इतना ज्यादा खौफनाक था कि इसमें सभी लोग बच्चे बूढ़े बेदर्दी से मारे गए और उन्हें इतना भी वक्त नहीं मिला कि वे अपना जान बचा पाए। इस घटना के 21 साल बाद आखिरकार एक भारतीय ने जनरल डायर को एक भरी सभा में गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। और यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि भारतीय सपूत सरदार उधम सिंह जी थे, जिन्होंने उन सभी भारतीय लोगों का बदला ले लिया जो कि जलियांवाला बाग में मारे गए थे।